नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। तो भारत और इंग्लैंड की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से चेन्नई में होने वाला है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को लेकर अभी से भविष्यवाणी हो गई है कि कौन इस टेस्ट सीरीज को जीतने वाला है। ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी केविन पीटरसन ने की है। केविन पीटरसन के मुताबिक ये सीरीज जो है वो टीम इंडिया जीत लेगी, क्योंकि इंग्लैंड टीम ने अपने जो दो टेस्ट मैच की टीम चुनी है वो उनकी नज़र में बेस्ट टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि जॉनी बेस्ट्रो जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ के लिए पहले दो टेस्ट में अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिसके कारण टीम इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। साल 2016 की बात करें तो इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी तो टीम इंडिया ने उसे सीरीज़ में मात दी थी। वहीं अब 5 फरवरी से पहला मैच शुरू हो जाएगा और आखिरी मुकाबला जो है अहमदाबाद में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए दो टेस्ट मैच के टीम जो है वो ऐलान हो चुकी है, जबकि इंग्लैंड की टीम ने भी सिर्फ दो ही टेस्ट मैच के लिए अभी टीम का ऐलान किया था। अगर हम जो रूट की कप्तानी के बारे में बात करें तो टीम इंडिया के अगेंस्ट जो रूट ने कप्तानी की है वो 5 मुकाबले खेले हैं, जबकि 4 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला हारा है। ये 5 मैच जो हैं वो इंग्लैंड में ही उन्होंने कप्तानी की है, जबकि विराट कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड जो है इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी शानदार है, क्योंकि उन्होंने 10 मुकाबलों में कप्तानी करते हुए 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ऐसे में अब केविन पीटरसन की भविष्यवाणी कितनी सही होती है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि केविन पीटरसन इससे पहले भी कई सारी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जब सीरीज हो रही थी तब माइकल वॉन जो उनके कप्तान रह चुके हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत पाएगी, लेकिन सभी ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2-1 से मात दी और इतिहास रचा। अब ऐसे में केविन पीटरसन की भविष्यवाणी जो उन्होंने की है कि टीम इंडिया सीरीज़ को जीतेगी वो अगर सही होती है तो फिर केविन पीटरसन को ये कह सकते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो अधिकतर सच होती है। अगर हम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ पे देखें तो ये सीरीज़ काफ़ी रोमांचक होने वाली, क्योंकि कोरोना काल में ये पहली टेस्ट सीरीज़ है जो भारत में होने वाली है। इसके बाद आईपीएल का आयोजन होने वाला है, लेकिन वो कहाँ होगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। ऐसे में पूरी निगाहें केविन पीटरसन की भविष्यवाणी पे होगी कि क्या टीम इंडिया सीरीज़ जीतती है, क्योंकि विराट कोहली की इसमें वापसी हुई है। विराट कोहली आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे, जबकि अगर हम पूरी टीम इंडिया की बात करें तो कई चोटिल खिलाड़ी थे जो ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हुए थे, उनकी भी टीम में वापसी हुई है। और प्लेइंग 11 पे खास तौर पे सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कि क्या मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा या ईशांत शर्मा को मौका दिया जाएगा। ऐसे में प्लेइंग 11 क्या होगी ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि 5 फरवरी को जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसका नतीजा क्या रहता है।